हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई लड़की पसंद आ जाती है, मन में ख्याल आता है कि अरे ये लड़की कितनी ज़्यादा प्यारी है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, क्यों ना इसको गर्लफ्रेंड बना लिया जाए। उसके लिए हम उसके पास जाते हैं, बात करते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं, उसके सामने अपनी तारीफें करते हैं, अपनी बड़ाइयाँ करते हैं कि बस किसी तरीके से वो बंदी मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना ले या किसी भी तरीके से हमारे पास आ जाए ताकि मैं उसे थोड़ी क्लोजनेस शेयर कर पाऊँ, है ना। कभी हमने ये सोचा है कि हमें वो लड़की क्यों अच्छी लग रही है? जाहिर सी बात है कि हम उस लड़की पे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अट्रैक्ट हो रहे हैं उस लड़की की तरफ। तो अट्रैक्शन क्या होता है? जब हम खिंचाव महसूस करते हैं किसी के प्रति, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें लड़का और लड़की के खेल के बारे में तो वहाँ पर कारण एक ही होता है, वो होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन के टाइप्स में से एक टाइप है। आज हम अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और ये किस तरीके से आपको हेल्प कर देगा आपको किसी भी लड़की को पटाने में या किसी लड़की को इम्प्रेस करने में, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं तो आप उस जो चीज़ कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे और लड़की बहुत अच्छी तरीके से आपसे इम्प्रेस हो पाएगी। तो किस तरीके से आप इन टाइप्स को समझ के और किस तरीके से आप इसको अप्लाई करके लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं, वही हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला अट्रैक्शन होता है फिजिकल, या कह लीजिए सेंसुअल अट्रैक्शन, या जिसको हम कहते हैं रोमांटिक अट्रैक्शन। हम किसी भी लड़की को देखते हैं तो ज़्यादातर यही अट्रैक्शन होता है, जिसको हम अक्सर प्यार का नाम दे देते हैं, या कह सकते हैं पहले प्यार का नाम दे देते हैं, कि पहली नज़र में जो पहला प्यार होता है, लव एट फर्स्ट साइट वाली जो चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ सेंसुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, या रोमांटिक अट्रैक्शन, या सेक्सुअल अट्रैक्शन, कुछ भी इनमें से कह सकते हो। क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है कि अगर आपने किसी लड़की को देखा, देखते ही आपको मोहब्बत हो गई, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सिर्फ आपने उस 5 या 10 सेकंड में देखी होगी? ईमानदारी से अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो उसके फिजिकल अपीयरेंस होंगे, उसके कुछ बॉडी पार्ट्स होंगे जो हमको लुभा रहे हैं, जिसको हम प्यार का नाम देते हैं। कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि हमें कभी पहली नज़र में उस लड़की से प्यार क्यों नहीं हो जाता जो दिखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है या एवरेज लुक्स की है, राइट? कभी ऐसा हमारे साथ नहीं होता है, ठीक है? लेकिन जो लड़की जितनी ज़्यादा अच्छी होगी फिजिकली, जिसका फिगर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जो जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, गॉर्जियस होगी, क्यूट होगी, हॉट होगी, हमें वो उससे उतनी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि हम उससे पहली नज़र में पहला प्यार कर लें। ऐसा होता है या नहीं होता? तो इसको हम कहते हैं फिजिकल अट्रैक्शन। इस चीज़ से आपको हमेशा बचना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी इंसान के प्रति फिजिकली अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि हम हो जाएंगे, मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि नेचर ने हमें ऐसा ही बनाया है। लेकिन हम एक हद तक ही अट्रैक्शन फील करें तो सही है। हम ये ना कह दें कि मुझे उससे प्यार हो गया, क्योंकि जब हम ये कह देते हैं कि मुझे उससे प्यार हो गया तो एक्चुअल में हमें उम्मीद होती है बड़े लेवल की, समझ रहे हो? हमें उम्मीद होती है कि हमें 10th class की नॉलेज मिलेगी, लेकिन जो उसकी शुरुआत है वो 1st class वाली है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि आपको उम्मीद तो होगी कि लड़की आपकी केयर करेगी, आपसे बातें करेगी, लड़की बात करने में भी अच्छी होगी, लड़की केयरिंग होगी, लविंग होगी, सपोर्टिंग होगी, हेल्पिंग होगी, जब भी आपको उसकी ज़रूरत होगी वो आपका साथ देगी, ये सारी उम्मीद होंगी। लेकिन उस सारे जो उम्मीद है उसकी शुरुआत इस चीज़ से हुई है कि लड़की का फिगर अच्छा है। तो क्योंकि लड़की का फिगर अच्छा है तो आप ये सारी चीज़ें उस चीज़ से जोड़ दे रहे हो कि लड़की अब अंदर से भी अच्छी होगी। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा सेम होता है कि जो लड़की बाहर से अच्छी है, या कोई भी इंसान, हम यहाँ पे लड़की की बात करें तो ऐसा नहीं कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं, कोई इंसान अगर बाहर से अच्छा है, दिखने में अच्छा है, तो अगर वो अंदर से भी अच्छा है तो जस्ट ये एक कह लीजिए कि बस ये संयोग की बात है ना, संयोग की वजह से ये ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा जनरली मैंने नहीं देखा है कि जो बाहर से भी अच्छा है और अंदर से भी अच्छा हो, मैंने एक्चुअल में ऐसा नहीं देखा, मेरा पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है कि आप गलत हो। तो फिजिकली कभी भी किसी पे अट्रैक्शन फील करिए, बट उसको आगे मत बढ़ाइए कि प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। दूसरा अट्रैक्शन होता है हमारा इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन सबसे कम पाया जाता है। इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन होता है जब आप दूसरों के दिमाग से, किसी की समझदारी से जब आप इंप्रेस होते हैं। जैसे कि कई कोई इंसान ऐसा होता है ना जो आपको अपनी कहानियां बताता है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, फिर लाइफ में मैं यहाँ पर गया, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन फिर अचानक से मैंने ये चीज़ करी, फिर अचानक से मैंने वो चीज़ करी। ये कहानी सुनाने की कला, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी के लॉजिकल स्किल से, किसी के सोचने की शक्ति से, किसी के प्रेजेंस ऑफ माइंड से, जो इंप्रेशन हमें पड़ता है ना हमारे ऊपर, वो होता है इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन। यहाँ पर बॉडी का कुछ भी दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, समझ रहे हो? जो केयर होती है ना वो आपकी कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन पर आती है, क्योंकि केयर करने के लिए आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई एक चीज़ पूछी जाए जो कि आपको लड़की में देखनी चाहिए तो मैं कहूँगा उसका दिमाग, उसका IQ। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं देखते। ये आपको बहुत फनी लग रहा होगा कि किसी लड़की का IQ देख के मैं क्या करूँगा यार, वो रोमांटिक थोड़ी होगी। यार जिस लड़की का IQ होगा ना वो रोमांटिक भी होगी,
उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा होगा, और तो और वो केयरिंग भी होगी, ऑनेस्ट भी होगी, लॉयल भी होगी। क्योंकि जब आपके मन में ख्याल आता है ना कि इस लड़की को चीट कर देता हूँ, सपोज़ आपकी पहले से कोई बंदी है, ठीक है, आप कहीं बाहर गए, वहाँ पर कोई रैंडम लड़की आपको मिल गई और वो आपको हिंट विंट दे रही है और कहीं ना कहीं अपनी तरफ थोड़ी क्लोज ला रही है, ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर दिमाग होगा तो आप उसके क्लोज नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं पहले से एक रिलेशनशिप में, मुझे उसको चीट नहीं करना चाहिए। सिंपल सा एक लॉजिक है, ये दिखा रहा है कि हाँ एक ऑनेस्ट पर्सन हो, उसके ऑनेस्टी दिखाने के लिए भी आपको दिमाग चाहिए ना, लेकिन अगर आपके पास दिमाग ही नहीं होगा तो आप बोलोगे छोड़ ना यार, आप अभी जो मिल रहा है उसके मजे लेते हैं, वो तो है ही, चलो पहले से ही पड़ी हुई है, समझ रहे हो। तो दिमाग होगा तो इंसान सब कुछ कर लेता है, तो लड़की के अंदर दिमाग देखो, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बाद की बात है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मिल जाए अच्छा है, ना मिले तो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके पीछे काफ़ी, मुझे ये भी पता है कि आप इस चीज़ पर अग्री नहीं करोगे, मुझे ये भी पता है कि आपको दूर दूर तक घंटा लेना देना नहीं होगा किसी के दिमाग से, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके फिगर से मतलब है, उसके गोरे चिट्टे बदन से मतलब है ना, कि वो कैसी दिख रही है, उसके बॉडी पार्ट्स कितने अट्रैक्टिव है बस। लेकिन आप इसके पीछे भाग कर देख लीजिए, भाग रहे भी हैं, और रिजल्ट जो होगा वो बता दीजिएगा, एक उम्र के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मैं कह रहा हूँ। ये बड़े बूढ़े बात कहते हैं लेकिन मैं आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड अट्रैक्शन होता है इमोशनल अट्रैक्शन। जो ये इमोशनल अट्रैक्शन होता है ना, ये गलत लेवल का अट्रैक्शन होता है। इसमें आप कहीं ना कहीं जो आप कहते हो ना प्यार हो गया, वो प्यार ना ये वाला अट्रैक्शन होता है, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इश्क है ना, वो इमोशनल अट्रैक्शन में आता है। जब आप किसी को चाहने लगते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आप उसको क्यों चाह रहे हो। अब ये मत बोलना कि मेरे को लड़की से पहली मोहब्बत हो गई, पहला प्यार हो गया, बहुत अच्छी लगती है, वो यही वाला प्यार है। अरे नहीं नहीं नहीं, ईमानदारी से पूछोगे तो समझ में आएगा कि देख के प्यार हुआ है, और जो चीज़ें देख के तुमने प्यार किया हो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम उसके क्लोज आ जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें उसकी आदत लग जाती है। जैसे कि कुछ लड़कियां होती हैं जो बोलते हैं कि मुझे इन चीज़ों रिलेशनशिप में नहीं आना है, मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं है। लड़का उससे कंटिन्यूसली बातें करता रहता है, बोलता है कि ठीक है मुझे रिलेशनशिप में आना भी नहीं, नॉर्मल फ्रेंड्स लेके बात करते हैं, वो बात करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। एक टाइम के बाद लड़की को खुद उससे मोहब्बत हो जाती है। अब वो मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, इश्क हो गया, कि आदत लग गई, कि क्या हो गया, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो वो आदत सी लग गई है ना, जो उसे बात करने में अच्छा लगने लग गया है ना, उसकी केयर करने का मन करता है ना, वो सारी चीज़ें आपके इमोशनल अट्रैक्शन पे आ जाती है। कि आप किसी को इमोशंस से मोहब्बत कर रहे हो, कोई आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, कोई एक ऐसा इंसान जिसकी छोटी सी बात आपको हर्ट कर जाती है, कोई एक ऐसा इंसान जिससे आपको बेवजह की उम्मीदें हैं। आप रिलेशनशिप में नहीं हो लेकिन बेवजह की उम्मीदें हैं, आपको किसी के साथ अच्छा करने का मन करता है, आप किसी के लिए बुरा नहीं सुन सकते, आपको किसी की केयर, किसी से किसी को प्यार करने का, किसी की तारीफ करने का मन करता है, किसी के चेहरे पे मुस्कान देखने का मन करता है, वो सारी चीज़ें इमोशनल अट्रैक्शन में आती है। आप किसी के सामने जी भर के रोना चाहते हो, आप किसी के सामने अपनी सारी सच्चाइयाँ बताना चाहते हो, उस इंसान के सामने आप अपना पूरा चिट्ठा रख देना चाहते हो, वो जो इंसान होता है ना उसके प्रति है आपको इमोशनल अट्रैक्शन। लेकिन ये नहीं होता, बींग ऑनेस्ट ये नहीं होता, और अगर होता है तो कई बार चुनाव में जो फिजिकल अट्रैक्शन के चुनाव में जो लोग जीत जाते हैं ना उनके प्रति आ पाता है। जैसे लड़कियां कहती हैं कि हम जो लड़कियां होती हैं ना वो लड़कों के लुक्स नहीं देखती हैं, लड़कों का पैसा नहीं देखती, और लड़के कहते हैं कि जो हम लड़के हैं ना वो लड़कियों का फिगर नहीं देखते, बस हमें एक सच्ची लड़की चाहिए जो प्यार मोहब्बत कर पाए। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, जैसे कोई लड़की बोले कि मैं ये देखती हूँ कि लड़का केयर कर पाता है कि नहीं, लड़का लॉयल है कि नहीं, ये देखती हैं, बोलती कि हम ये देखते हैं, मैं मान रहा हूँ कि तुम ये लड़कियाँ जो होती हैं वो देखती हैं, बट जो ग्रुप बना है जिसमें से उनको चुनना है ऑनेस्टी लॉयल्टी, वो तो कहीं ना कहीं फिजिकली जो तुम्हें लड़के पसंद है उनमें से ही है ना। सपोज करो कि किसी एक ग्रुप में 10 बंदे हैं, ठीक है, उनमें से 3 या 4 दिखने में अच्छे हैं, बाकी के 5 या 6 दिखने में इतने अच्छे नहीं हैं, तो लड़की क्या करेगी कि उन 4 में से ही चुनाव करेगी कि उनमें से ऑनेस्ट कौन है, और बोलेगी क्या कि मैंने तो देखो ऑनेस्टी को देखा। लेकिन उस ऑनेस्टी को देखने के लिए जो लड़का या जो लड़के तुमने चुने हैं वो तो कहीं ना कहीं उनका पैमाना जो था वो तो फिजिकल अट्रैक्शन ही था ना, वो तो उनके लुक्स, उनके पैसे, उनका आईफोन, उनका आईपैड, उनकी गाड़ी, उनका हेयर स्टाइल, यही सब था ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अट्रैक्शन फील नहीं करनी चाहिए, सबको पसंद आता है, हमें बनाया ही ऐसे गया है, लेकिन जितना हम इन चीज़ों में कम पड़ेंगे उतने ज़्यादा हम सुखी रहेंगे जीवन में। पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये अगेन बड़े बूढ़ों की बताई हुई बातें हैं, आप इन चीज़ों को नहीं मानोगे मुझे पता है, लेकिन अगर आपके मन में थोड़ी भी घुस जाएगी ना,
आप बहुत खुश हो जाओगे, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई, और थोड़ी भी बात घुसी है तो लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। अगर आपको सच में समझ में थोड़ी भी आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी समझ में आ पाए कि भाई फिगर विगर में कुछ नहीं रखा, ठीक है, दो दिन की आज की और दो तीन घंटे वाला जो प्यार होता है ना उसमें कुछ नहीं है, बाकी के जो लम्हे होते हैं उनको एंजॉय करने के लिए बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।